तो रामनगरी अयोध्या में 22 जनवरी को लेकर उमंग और उत्साह का गजब का माहौल है। और इसी बीच वहां से एक अनोखी तस्वीर सामने आई है। अयोध्या में 14 लाख दियों से बनी भगवान श्री राम की प्रतिमा, बिहार के भागलपुर से आए कलाकारों ने अद्भुत प्रतिमा बनाई है। ये सभी दिए मिट्टी के बर्तन बनाने वाले अयोध्या के कुम्हारों से खरीदे गए हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इस कलाकृति का वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए आज टेस्ट भी होना है। प्रतिमा में सबसे ऊपर श्री राम की छवि, इसके नीचे राम मंदिर और फिर और नीचे बाईं तरफ पीएम मोदी, बीच में जय श्री राम और दाईं तरफ सीएम योगी बने हुए हैं। तो बड़ी खबर, 14 लाख दियों से यह अद्भुत विराट प्रतिमा बनाई गई है। बिहार के भागलपुर से आए जो कलाकार हैं, उन्होंने इस प्रतिमा को बनाया। जरा ये देखिए, ये अद्भुत तस्वीर, आपको अलौकिक तस्वीर नजर आएगी और आज गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए इसका टेस्ट भी होना है। 22 जनवरी को अयोध्या में भव्य राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा और उसके साथ ही जश्न की तैयारियां शुरू, लेकिन इस तरह की तस्वीरें हम आपको दिखाने के लिए लाए हैं अयोध्या के साकेत महाविद्यालय के अंदर, जहां पर 14 लाख दीपकों के साथ जो है मोजाइक आर्ट क्रिएट किया गया। और स्क्रीन पर सबसे पहले आपको भगवान श्री राम का पराक्रमी स्वरूप दिखाई देगा, जिनके हाथ में धनुष है, जिनके हाथ में तीर है, और आपको रंग बिरंगे दियों के साथ जो है भगवान श्री राम की जो इमेज है, जो छवि है, वो नजर आएगी। और आप देखें तो भगवान का जो श्यामल शरीर कहा जाता है वो रंग दिया गया है, पराक्रमी स्वरूप दिखाया गया है जो योद्धा के तौर पर होता है। और उसके बाद जब आप दियों के तरफ से नीचे आएंगे तो आपको एक तरफ बाईं ओर जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और उसके साथ ही साथ फिर आपको जय श्री राम का स्वरूप दिखाई देगा। और उसके बाद जो है उसके एक कोने में स्क्रीन के अगर आप अपने दाईं ओर देखेंगे तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और लगातार ये काम चल रहा है, बिहार के भागलपुर से आए ये मोजाइक आर्टिस्ट जो है उन्होंने इससे पहले भी दियों के साथ, मिट्टी के दियों के साथ इस तरह की कलाकृति बनाई थी, लेकिन ये पहली बार है, विश्व रिकॉर्ड होगा जब 14 लाख की संख्या में मिट्टी के दियों का इस्तेमाल किया जाएगा। और इसकी जो अगर आप कहें ड्रोन फुटेज है तो वो और देखने में ज्यादा खूबसूरत होगी, लेकिन ये जो कलाकार हैं तकरीबन 12 की संख्या में, इसके आगे भी इन्होंने बहुत सारे लक्ष्य रखे हैं, लेकिन फिलहाल भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के दिन जो है ये पूरी कला जो है, आर्ट जो है, वो पूरी तैयार होकर सामने निखर के आएगी। और सबसे अच्छी चीज कि इन सभी चीजों में अयोध्या के ही जो कुम्हार हैं, जो चाक लेकर जो है मिट्टी के दिए तैयार करते हैं, उन्हीं से दिए खरीदे गए हैं। और जाहिर तौर पर अगर 14 लाख दियों की बिक्री हुई होगी तो अयोध्या के कुम्हारों को भी एक रोजगार जो है वो मिला होगा। और बेहद सुंदर तस्वीर आपने स्क्रीन पर जो देखी वो भगवान श्री राम के पराक्रमी छवि की, फिलहाल अयोध्या के साकेत महाविद्यालय में बिहार के भागलपुर के कलाकारों द्वारा तैयार की गई है। वीडियो देवेंद्र विश्व के साथ गौरव श्रीवास्तव, टाइम्स नौ भारत, अयोध्या।